आज मैं सुबह जल्दी आ गया इसलिए भीड़ कम ही आ। सामने जो नाला है इसी में नहाने आए थे। सो यार राम राम सभी भाइयों को, आज हम कहीं पर जा रहे हैं नहाने के लिए, तो चलो चलते हैं। आज एक नई वीडियो के साथ आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सर दोस्तों आपका मोस्ट वेलकम मेरे नई वीडियो के साथ, क्योंकि आज मैं यहाँ पे कुछ काम से आया था अपने पापा को लेके इस मंदिर पे नहाने के लिए, अपने गाँव से करीबन 50 किलोमीटर दूर। ये सामने जो नाला है इसी में नहाने आए थे। ये सामने मंदिर, मैं यहाँ पे वीडियो बना रहूँगा और बहुत सारे लोग आ रहे हैं यहाँ पे। आज मैं सुबह जल्दी आ गया इसलिए भीड़ कम है यहाँ पे। अभी श्रद्धालु आ रहे हैं तो थोड़ी देर बाद मैं भी नहाने वाला हूँ यहाँ पे। भीड़ चालू हो गई, दादा फूफा नहाने के लिए तैयार। नाव प्रसाद चढ़ाओ, परिक्रमा लगाओ। अभी दादा नहा रहा है यहाँ पे। ये अभी सुबह 8 बजे का नज़ारा है यहाँ पे। थोड़ी देर बाद शायद 12 बजे तक बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है। एक नल लगा यार, मैं सोच रहा था नहाने के लिए होगा तो नदी में कूद कूद के नहाऊँगा, मुझे तैरना बहुत अच्छी तरह आता है, पर एक नल चल रहा है टप से, टप में नहाओ। तुम्हें तो नहा ले, तुम्हें नहा ले बनते ले लीजिए दशा को। मैं तो यार अभी नहाया नहीं, दादा नहा लिए, वही प्रसाद चढ़ाने जा रहे हैं। अपन भी यार नहाने के लिए तैयार हो गए, नहा धो के रेडी हो चुके अपन। अब चलते हैं प्रसाद के लिए, प्रसाद दर्शन करके चलते हैं। अब यार यहाँ से कैसे भी करके बिसलरी की बोतल मिलेगी, लेकिन ढक्कन नहीं मिल रहा है, इसकी जोड़ करनी पड़ेगी, लेकिन वो भी हो चुकी थी। हम पर यहाँ से यार पानी ले जाने का कोई स्रोत नहीं है, कोई भी बोतल मिलती नहीं है, ना ही कोई ढक्कन मिल रहा। बोतल मिल गई तो सोचा घर ले जाएंगे यार, पानी कड़वाए नहाने में तो मस्त लगा था। देख सकते हो भीड़ बहुत ज़्यादा होगी, पर लेकिन पन्नी नहीं मिल रही यार, भीड़ तो बहुत है यार, बोतल का ही कोई साधन नहीं है।